गीता एक जीवन दर्शन है। जीवन दर्शन के अनुसार मनुष्य महान है, अमर है और असीम शक्ति का भंडार मनुष्य के अंदर मौजूद है। सभी भक्तगणों को राम राम। प्रेम से बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गीता को संजीवनी विद्या की संज्ञा दी गई। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, इसका बोध कराना गीता का परम लक्ष्य है। हमें हमारे कर्तव्य का बोध जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश के बाद ही अर्जुन अपने कर्तव्य को पहचान पाए और उन्होंने सत्य पर असत्य की विजय हासिल की और कर्म की विजय हुई, अर्जुन के कर्म की विजय हुई। गीता में कुल 18 अध्याय और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों समझाया? 5000 वर्ष पूर्व मार्ग शीर्ष माह की शुक्ल एकादशी को महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे। क्योंकि उसके सामने उसके भाई बंधु और गुरु खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण से कहा अर्जुन ने कि मेरे सामने जो भी है वो सब मेरे पहचान वाले हैं, मैं इन पर वार नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन के इस तरह कर्म से विमुख होकर मोह में बंधने को भगवान श्री कृष्ण ने अनुचित ठहराया। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाए और सत्य को जान जाए, यही एक लक्ष्य था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के ये उपदेश दिए। असीम शक्ति का भंडार मनुष्य होता है। गीता में कुल 700 श्लोक। गीता में ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया। ज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य की सभी जिज्ञासाओं का समाधान हो सकता है, इसलिए गीता को सर्वशास्त्रमयी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ही नहीं मनुष्य मात्र को यह उपदेश दिया है कि कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो कि फल क्या मिलना है। फल तो आपको मिलेगा, लेकिन कर्म प्रधान है, कर्म करना चाहिए। फल देना तो श्री हरि विष्णु के हाथ में है। फल की इच्छा रखते हुए अगर कोई कर्म कर रहा है तो जब इच्छित फल प्राप्त नहीं होता तो क्या होता है, हमें दुख होता है। और सुखी रहना है तो सिर्फ कर्म और कर्म और कर्म करो, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। वह भी निष्काम भाव से आपको कर्म करना चाहिए। और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आज कलयुग में भी मौजूद हैं कि जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनको फल तो मिलता है, लेकिन फल देने वाले तो श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण हैं। फल क्या देना है ये फैसला उन्हीं के पास है। ये वही डिसाइड करते हैं कि आपने जो कर्म किए हैं वो किस तरह के कर्म किए हैं। आप किसी भी क्षेत्र में कर्म करें, उन कर्मों का फल आपको मिलना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश सुनकर जिस प्रकार अर्जुन का मोह भंग हुआ और उन्हें पाप और पुण्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब सही और गलत का ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक उसी प्रकार आज भी गीता का पाठ मन लगाकर करने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। इस तरह के अनेक उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते खुल जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिया
कि कर्म और कर्म और कर्म करो। और इस तरह का आज का ताजा उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है। राजस्थान के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री जो निष्काम भाव से अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहे, तो श्री कृष्ण ने उनको क्या फल दिया आज पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। तो ये कर्म का जो फल है वो भगवान देते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें कर्म करना चाहिए, और कर्म प्रधान बताया गया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में आप देख सकते हैं कि जो नए मुख्यमंत्री भजन लाल जी आज बने हैं, उनको पूरे प्रदेश की कमान दी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की इच्छा है, वो भगवान की इच्छा है। उन्होंने निष्काम भाव से कर्म किया, उस कर्म पथ पर निरंतर चलते रहे, और कर्म जब सच्चे मन से निष्ठा के साथ किया जाता है तो उसका फल उचित ही मिलता है। वो क्षेत्र कोई भी हो, बहुत सारे क्षेत्रों में आप जाकर देख सकते हैं कि जिन्होंने निष्काम भाव से कर्म किया उनको फल जरूर दिया, और वो फल उनके कर्मों के हिसाब से उनको मिलता है। तो कर्म के पथ पर चलना चाहिए, हमें निष्काम भाव से आगे बढ़ना चाहिए। गीता का जो ये ज्ञान है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं, वो पूरी सृष्टि के लिए ये ज्ञान दिया। आज आप गीता के पाठ को मन लगाकर करेंगे और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको उचित फल की प्राप्ति होगी, और उचित फल वो होता है जो भगवान ने आपके लिए सोच रखा है कि वो आपको क्या फल देंगे। तो आप निष्काम भाव से काम करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और इस पूरे वीडियो को सभी तक आप भेजते रहिए। फिर आता हूँ मैं इस तरह की धार्मिक ज्ञान भरी वीडियो के साथ। प्रेम से बोलिए, सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव।